मेरा पहला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी लड़ाओ? बिल्कुल, बेटी लड़ाओ नहीं, बेटी खिलाओ। बेटी खिलाओ और फिर आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और हमेशा आगे बढ़ाते जाओ। और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा होगा इसकी शुरुआत पानीपत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और उसका आज इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है धरातल के ऊपर। आपने देखा भी होगा कि कल के जो सर्वे के अनुसार बेटियों की जो संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले, हाँ मैंने उत्तर प्रदेश वाला पढ़ा, 1000 से ज़्यादा हो गया, 1017 हज़ार से ज़्यादा हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और सभी उन माता पिताओं का धन्यवाद करती हूँ जो बेटियों को बचाने के साथ साथ पढ़ाने का और खिलाने का जो अभी लोग उनको सपोर्ट करने लगे हैं, आगे बढ़ाने लगे हैं, तो उनका भी धन्यवाद करती हूँ। 2010 में आपका मेडल आया है, सरकार दूसरी थी, अभी दूसरी है, तो सवाल ये है कि कुछ पहले से बेहतर हुआ? कुछ नहीं, बहुत कुछ बेहतर हुआ। जैसे कि खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ है, ये जो हमारे जो कैडेट के जूनियर के जो खिलाड़ी उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और सरकार उनको मंथली उनको पेमेंट भी देती है ताकि वो अपना घर खर्चा उनका छोड़ के और अपना खुद का अपने ट्रेनिंग के लिए अपने आगे बढ़ने के लिए ताकि अच्छी प्रैक्टिस कर सके, अच्छी ट्रेनिंग ले सकें। और दूसरा एक चीज़ है कि टॉप स्कीम जो स्टार्ट की है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और खेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि जो टॉप स्कीम के अंदर जो ओलंपिक में जो खिलाड़ी क्वालिफाई कर लेते हैं उनको पूरा ओलंपिक, जब तक ओलंपिक नहीं हो जाता तब तक उनकी हर सुविधा देखना, उनकी ट्रेनिंग करवाना या फिजियोथेरेपी या डॉक्टर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होती है टॉप स्कीम देख। मैम व्यक्तिगत सवाल, पहला एक चीज़ मेरी रह गई उसका ही नतीजा है कि आज हमारे ओलंपिक के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन रहा और हमारी मेडल तालिका के अंदर हमारा देश बहुत ऊपर गया। व्यक्तिगत सवाल, लेकिन जवाब ये नहीं होना चाहिए कि आपने फिल्म देखी होगी, क्योंकि बड़ी फिल्म बनी, बहुत तगड़ा बिजनेस किया, 400-500 पता ही नहीं कितने करोड़ किया। हम सब जानते हैं पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था, पिताजी के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जब पहली बार कुश्ती लड़ने की शुरुआत की, फिल्म पे नहीं जा रहा हूँ, तो क्या फीलिंग थी अंदर से? ज़बरदस्ती है या मज़ा है या फिर शौक है या फिर करना ही है? जब हमने पहली कुश्ती लड़ी तो बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था, मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कहूँगी, मैं शौक भी नहीं कहूँगी कि उस टाइम मेरा शौक था, बट जब पहली कुश्ती जब मैं जीती और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें ये थी कि जब मैं पहली कुश्ती डिस्ट्रिक्ट के अंदर जीती तो फाइनल में मैंने अपनी बड़ी बहन को हराया था। हालांकि जबकि मैं कभी प्रैक्टिस के दौरान मैं कभी नहीं जीती, लेकिन वो पहला ही दिन था जब मैंने उसको हराया था और वो लास्ट दिन भी वही था जब मैंने उसको हराया था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद तो बस ये लगा लीजिए शौक भी बन गया, मज़ा भी आया और एक लक्ष्य भी बन गया। देखिए कंट्रोवर्शियल कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सारे मेरे पास हैं। मेरा एक लास्ट जो सवाल है वो संदेश है आगे आने वाली पीढ़ी जो बनना चाहते हैं, पहलवान बनना चाहती हैं, लड़कियाँ बनना चाहती हैं। इस स्टेडियम में मैंने काफ़ी 3 दिन से कवर कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला, क्या संदेश है जो एक बात जो उन्हें अभी तक ना पता हो? संदेश मेरा यही है कि जो बहनें हैं, सबसे एक चीज़ मैं कहूँगी कि हमें डोप का बहुत ध्यान रखना है जो मैं हम खिलाड़ी, क्योंकि क्या होता है कि जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं कई खिलाड़ी जो छोटे बच्चे वो नासमझ होते हैं तो उनको गलत गाइड कर देते हैं, तो ऐसे गलत गाइडेंस से हमें बचना चाहिए। आपको अगर कुछ आगे लेके जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत लेके जाती है, ये दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए कि कोई ये चीज़ खाने से हम पहलवान बन जाएंगे या वो चीज़ करने से खाने से हम ओलंपिक में मेडल ले आएंगे, तो ये बहुत ही मैं मानती हूँ कि बहुत ही एक तरह से अपने आप के साथ भद्दा मजाक लगा लीजिए अगर हम इस चीज़ को अपनाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना ओलंपिक में मेडल लेना है तो आप अगर 10 दिन के अंदर अगर आप 24 घंटे अगर आप कुश्ती को जीते हो, कुश्ती को आप समझते हो, तो आप वही जो खिलाड़ी है जो 24 घंटे कुश्ती को जीता वो आगे बढ़ेगा, न कि डोप खाने वाला। तो डोप का विशेष ध्यान रखें, अगर कोई कोच भी अगर कहता है तो उनको खुद कहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं सभी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं आज के टाइम में देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ अपनी दुकान खोले बैठे हैं, उनको अपनी दुकान चलानी होती है तो वो कहते थे ये चीज़ खा लो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखना। बहुत सारे सवाल नहीं पूछूंगा, मैंने शुरुआत में बोला है, कई सारे पत्रकार कहते हैं कि ये थी बबीता फोगाट, मैं ये नहीं कहूँगा, बबीता फोगाट थी, है और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।